नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएनएस पे। मैं हूं शुभम और आज हम समझने वाले हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के यूजी कोर्सेज के अंदर कैसे एडमिशन मिलने वाला है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है हमें, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है हमें, उसके बाद सब्जेक्ट कैसे चूज करना है, कॉलेज कौन सा चूज करना है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। कैसे फीस पेमेंट होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट कैसे आएगी, रिजल्ट कब आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे कराया जाएगा कॉलेज पे जाके, इन सभी चीजों पे आज हम बात करने वाले हैं। यानी कंप्लीट वीडियो रहने वाले ये लखनऊ विश्वविद्यालय से यूजी कोर्सेज में एडमिशन प्रोसीजर का ये पूरी कंप्लीट वीडियो रहने वाले है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको देखिए, आपको लखनऊ विश्वविद्यालय के ऑफिशियल साइट पे जरूर विजिट करते रहना है। वहां पे नोटिफिकेशन पूरा दिया जा रहा है प्रॉपर तरीके से, पूरी आपको वहां पे इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है कि कैसे आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको वहां पे चॉइस फिलिंग करना है, क्या सब्जेक्ट में मेजर में कितने सब्जेक्ट्स लेने हैं, माइनर में कितने सब्जेक्ट को चूज करना है, कॉलेज कौन कौन सा सेलेक्ट करना है, इन सभी चीजों पे आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रेस रिलीज करके बताया जा रहा है। अब हम समझते हैं कि यहाँ पे कैसे एडमिशन प्रोसीजर हमारा होने वाला है लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो आपका ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसीजर पूरा रहने वाला है, इसके लिए पूरी गाइडलाइन भी दे दी गई है, आप इसको जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। अभी जो चॉइस फिलिंग हो रही है, कॉलेज का फिल किया जा रहा है, सब्जेक्ट को चूज किया जा रहा है, इन सभी के लिए आप क्या करिए, सबसे पहले ये जो पूरी गाइडलाइन है इसको आप पढ़ लीजिएगा। और जो आपकी कंप्लीट मेरिट लिस्ट है, जितने भी आपके यूजी कोर्सेज थे जिसमें एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है, मोस्ट ऑफ द कोर्सेज के जो कंप्लीट मेरिट लिस्ट, यानी जितने बच्चों ने एंट्रेंस एग्जाम दिया है सभी की मेरिट लिस्ट आ गई है कि उन्होंने कितना स्कोर किया है उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। अब रजिस्ट्रेशन कैसे स्टार्ट करना है उसका, फिर चॉइस फिलिंग कैसे होने वाला है, इन सभी चीजों पे आज लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं आगे। सबसे पहले देखिए, स्टेप वन यहाँ पे दिया गया रजिस्ट्रेशन करने का, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में क्या ध्यान रखना है आपको कि रजिस्ट्रेशन में आपको यहाँ पे ₹700 देना पड़ रहा है, फिर आप क्या करोगे, स्टेप वन ही है आपका, ठीक है। आपने देखिए स्टेप वन क्या है हमारा, सबसे पहले देखिए अगर देखा जाए तो जो एडमिशन होने वाला है इसमें पहला काम क्या था कि आपने एग्जाम दिया, ठीक है, एग्जाम आपने दे दिया। एग्जाम के बाद क्या आया, दूसरा आपका जो आया वहां पे क्या आया गया आपका, यहाँ पे आंसर की आ गया, ठीक है, आंसर की आ गया। अब आंसर की के बाद आगे क्या है, आंसर की के बाद आपका यहाँ पे आ रहा है आपका रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन आ गया। एंड रजिस्ट्रेशन के बाद आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे चॉइस फिलिंग आ रहा है, ठीक है, चॉइस फिलिंग करने को आ रहा है। तो चलिए एक एक स्टेप को देखते हैं। सबसे पहले आपका देखिए जो आंसर की था, आंसर की के बाद अब क्या आ रहा है, रजिस्ट्रेशन करने को आया। रजिस्ट्रेशन में आपको क्या करना है, यहाँ पे ₹700 आपको देने पड़ रहे हैं, जिसमें कि आपको ₹200 नॉन रिफंडेबल है, और अगर आपका एडमिशन किसी कॉलेज में नहीं होता है तो ये ₹500 आपको वापस कर दिए जाएंगे। जिस भी अकाउंट से आपने वो पैसा डिडक्ट कराया होगा उसी अकाउंट में आपको पैसा वो मिल जाने वाला है। तो पहला स्टेप क्या है, रजिस्ट्रेशन कराने का, और मोस्ट ऑफ द बच्चे इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को फुलफिल कर लिए होंगे। पहला स्टेप है ये हमारा हो गया। दूसरा स्टेप हम बात करते हैं अब कि कंप्लीट मेरिट लिस्ट आ चुका है, ठीक है, कंप्लीट मेरिट लिस्ट आ चुका है, और अब क्या करना है आपको, चॉइस फिलिंग करना है। यानी जिन बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है अब उनको क्या करना होगा, सेकंड स्टेप क्या रहने वाला है, देखिए पूरा स्टेप यहाँ पे दिया गया, चॉइस फिलिंग दिया गया, यानी आपको विकल्प भरना होगा। जैसे अब विकल्प भरने में क्या है, जैसे बी और बीएससी में आप विकल्प सब विषय का भी भरेंगे और कॉलेज का भी भरेंगे, लेकिन जो लॉ के बच्चे हैं, बीएलएलबी वाले बच्चे, यहाँ पे देखिए आपका सब्जेक्ट फिक्स होता है, उसमें आप कोई भी चूज करने का ऑप्शन नहीं मिलता, वो एक फिक्स सिलेबस होता है, वो फिक्स सब्जेक्ट होते हैं जो आपको पढ़ाया जाएगा। अब आपको वहां पे कॉलेज फिल करना होगा। तो चॉइस फिलिंग में दो है, एक तो अगर बीए बीएससी के बच्चे हैं, एक आप क्या है, अगर आप बीए हैं या फिर आपका कोर्स बीएससी है तो यहाँ पे क्या होगा, आप चॉइस फिलिंग करोगे। लेकिन अगर आपका कोर्स बी एल एल बी है तो यहाँ पे आपको क्या होगा, आप सब्जेक्ट नहीं, आप यहाँ पे क्या करोगे, कॉलेज फिल करोगे। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट और कॉलेज दोनों आपको फिल करने का यहाँ पे दिया गया है। अब वो सब्जेक्ट चूज करने के लिए देखिए दिया गया कि अगर एक जो मेजर है उसमें तीन सब्जेक्ट में से तीन सब्जेक्ट आप रख सकते हो, दूसरे मेजर में भी आप क्या कर सकते हो, तीन सब्जेक्ट रख सकते हो, और माइनर में क्या, छह सब्जेक्ट रख सकते हो। हालांकि यहाँ पे ये बताया गया कि आप मैक्सिमम सब्जेक्ट को चूज कर लें, क्योंकि सीट वो हो सकता है, मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस आपने बीए में चूज कर लिया, अगर वो पॉलिटिकल साइंस फुलफिल हो जाता है तो अगर आपने उसके बाद कोई दूसरा ऑप्शन रखा है हिस्ट्री रख दिया तो आपको हिस्ट्री में एडमिशन वहां पे मिल जाएगा। इसलिए जो यहाँ पे बोला गया यूनिवर्सिटी की तरफ से कि मैक्सिमम सब्जेक्ट को यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे बोला गया है कि आपको तीन तीन एक एक मेजर सब्जेक्ट में और छह माइनर में रखना होगा, आप उससे ज्यादा भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। तो दूसरा स्टेप आपका क्या रहने वाला है, चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग में दो चीजें मैंने आपको अभी बता दिया, एक तो सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन मिल गया आपको, और दूसरा आपको क्या मिल गया, कॉलेज चूज करने का। लॉ वाले बच्चे यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं चूज कर पाएंगे, उनको क्या करना होगा, कॉलेज सेलेक्ट करना होगा। अब कॉलेज में भी मैं आपको बता देता हूँ, आप मेन कैंपस को ही सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा,
जिन बच्चों को लगता है कि उनका एडमिशन मेन कैंपस में हो जाएगा, उनके मार्क्स नियर अबाउट आ रहे हैं, जो सीट है लगभग, मान लीजिए कि एग्जांपल में लेता हूँ, किसी कोर्स के अंदर पर्टिकुलर कोर्स में 120 सीट है और आपका रैंक 120 30 40 के आसपास अगर आ रहा है, तो वैसे बच्चे जरूर यहाँ पे क्या करें, सिर्फ मेन कैंपस को ही क्या करें, यहाँ पे सेलेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अफिलिएटेड कॉलेज का नाम वहां पे आप लोग फिल नहीं करिएगा, ठीक है। अफिलिएट कॉलेज का मैं आपको लिस्ट भी बता दूंगा, वहां पे आप डायरेक्ट जाके भी एडमिशन करा सकते हो। यहाँ पे आपको जो चॉइस फिलिंग में ध्यान देना है कि आप मेन कैंपस को ही क्या करिएगा, सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि अफिलिएट कॉलेज में आपको ऐसे भी एडमिशन मिल जाएगा जो आपके मार्क्स आए हैं लखनऊ विश्वविद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में, उसके बिहार पे भी आपको डायरेक्ट एडमिशन वहां पे मिल जाएगा, तो वो आप सेलेक्ट मत करिएगा। आपको चॉइस फिलिंग में क्या ध्यान देना है कि कॉलेज के अंदर मेन कैंपस ही आपको सेलेक्ट करना है, बाकी चीजों को आपको छोड़ देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा जो आपका स्टेप रहने वाला अब सीट अलॉटमेंट का होने वाला है, ठीक है। क्या होगा, सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। सीट अलॉटमेंट का मतलब है, जैसे आपने बच्चों ने सेलेक्ट कर दिया कि हाँ मुझे मेन कैंपस चाहिए, तो जिसका भी स्कोर अच्छा होगा उनको क्या होगा, फिर सीट अलॉटमेंट होगा, यानी उनको क्या होगा, वापस से फिर एक लिस्ट बन के आएगी वहां पे, ठीक है। तो देखिए अभी भी मेरिट लिस्ट एक आ चुकी है, कंप्लीट मेरिट लिस्ट है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, सीट अलॉटमेंट में क्या हो जाएगा वहां पे, फिर से दिया जाएगा। मान लीजिए सभी बच्चों ने दिया, तो वहां पे कोर्स वाइज मान लीजिए यहाँ पे 40 से 50 बच्चों का क्या होगा, 40 से 50, वो कोर्स वाइज डिपेंड करता है किस कोर्स में कितने बच्चे हैं। अगर किसी कोर्स में 100 बच्चे हैं तो उसमें से 40-50 बच्चों का नाम आएगा वहां पे कि इन लोगों को एडमिशन के लिए बुलाया, मतलब फीस पेमेंट का ऑप्शन उनको आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, उनको मैसेज आएगा। और जिन्होंने चॉइस फिल किया है, उनको अगर उनको सिलेक्शन नहीं हुआ किसी कॉलेज के अंदर, मेन कैंपस नहीं मिला या वो सब्जेक्ट नहीं मिला, तो उनको ये मैसेज जाएगा। तो जिनका सिलेक्शन होगा उनको मैसेज भी आएगा, उनकी लिस्ट भी आ जाएगी, और यू आर नॉट सिलेक्टेड इन कॉलेज ऐसे करके एक मैसेज आएगा जो बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा। और अगर आपका मार्क्स लग रहा है कि आपको मेन कैंपस मिल जाएगा, तो जो अलॉटमेंट ये सीट है ये 2-3 बार, लगभग 3 से 4 बार हर कोर्स के अंदर देखने को मिलेगी, तो ये सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए अपग्रेडेशन का भी ऑप्शन है। अपग्रेडेशन का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मेन कैंपस आपने डाला है और आपको अफिलिएशन मिला है, अफिलिएटेड कॉलेज मिल गया, तो वहां पे बाद में अगर सीट मेन कैंपस में बसती है तो वहां पे क्या होगा, अपग्रेडेशन के थ्रू क्या हो जाएगा, आपको वहां पे मिल जाएगा, आपको वहां पे फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा और वो क्या होगा, आपको वहां पे सीट मिल सकती है मेन कैंपस के अंदर, ठीक है। और इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, सीट कंफर्मेशन प्रोविजनल अलॉटमेंट कंफर्मेशन लेटर डाउनलोड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाउनलोड करना होगा आपको पूरा, वो दिखा देगा यहाँ पे कि आपको अलॉटमेंट हो चुका है, आपका कंफर्मेशन लेटर होगा, इसको आपको डाउनलोड कर लेना होगा। सीट अलॉटमेंट के बाद क्या होगा, उसका कंफर्मेशन आपको यहाँ से डाउनलोड करना होगा। और उसके बाद पांचवा जो स्टेप आपका रहने वाला है, यहाँ पे क्या रहने वाला है, रिपोर्ट टू यूनिवर्सिटी अलॉटेड कॉलेज, जिस भी कॉलेज में आपका अलॉट हुआ है वहां पे आपको जाना होगा और सारे जो डॉक्यूमेंट होंगे वो डेट बताया जाएगा, वहां पे जाके आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होगा यहाँ पे, ठीक है। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा, तो ये पूरा प्रोसीजर रहने वाला है आपका यहाँ पे एडमिशन के टाइम में, ठीक है। और सेकेंड सीट अलॉटमेंट यहाँ पे होगा, ठीक है, ये आगे वैसे ही प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। मेन देखिए अब निष्कर्ष अगर हम लोग देखें यहाँ पे, फिर से यहाँ पे देखिए सीट अलॉटमेंट एंड प्रोविजनल अलॉटमेंट कंफर्मेशन लेटर डाउनलोड करके वहां पे सबमिट करना होगा। तो ये टोटल 7 स्टेप बताएंगे, जनरली 5 ही आप समझिएगा। पहला क्या था आपका यहाँ पे कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, दूसरा इसके बाद क्या था, रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने कर दिया होगा, उसके बाद देखिए रजिस्ट्रेशन के बाद क्या था आपका, वहां पे चॉइस फिलिंग के ऑप्शन दिए गए थे। कुछ कोर्सेज में आपको वहां पे मेजर माइनर और कॉलेज सेलेक्ट करना था, जैसे बी और बीएससी हो गया, कुछ में कॉलेज को ही सेलेक्ट करना था, पर मैं आपको रिकमेंडेशन ये कर रहा हूँ कि आपको मेन कैंपस ही सेलेक्ट करना, कॉलेज में और किसी अदर कॉलेज का नाम मत डालिएगा, क्योंकि जितने अफिलिएट कॉलेज है वहां पे एडमिशन आपको डायरेक्टली मिल सकता है। तीसरा स्टेप जो आपका रहने वाला वो सीट अलॉटमेंट का होगा, उसके बाद सीट अलॉटमेंट की एक लिस्ट आएगी कि इन बच्चों को अलॉट कराया गया, मैसेज आएगा फीस पेमेंट का, वो फीस पेमेंट के बाद कंफर्मेशन लेटर होगा, कंफर्मेशन लेटर आपका चौथा स्टेप है। और पांचवा स्टेप यह है कि आपको उसको जाके अपने जो तय तारीख पे क्या होगा, जो यूनिवर्सिटी तारीख तय कर रही है उस तारीख पे आपको जाके वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पे सबमिट करना और आपका एडमिशन फाइनल हो जाएगा। तो ये आपके 5 स्टेप रहने वाले हैं जहां पे आपका लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर एडमिशन हो जाएगा। चॉइस फिलिंग में आपको मेन कैंपस ही रखना, ये बातें ध्यान रखिएगा। और बाकी अब जो अफिलिएटेड कॉलेज है उसके उसमें कितनी सीट है, इन सभी चीजों पर हम लोग आगे बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज और देख लीजिएगा, किस कोर्स में कितनी फीस है, ये देखिए यहाँ पे पूरा दिया गया है। अगर आप बीए न्यू एजुकेशन पॉलिसी है तो यहाँ पे सारी फीस यहाँ पे दी गई है। और जो रजिस्ट्रेशन में आपने 500 रुपए दिया था वो 700 रुपए दिया था, तो 200 रुपए उन्होंने कट कर लिया, 500 रुपए क्या होगा आपके मेन फीस से कम हो जाएगा। सभी फीस को आप लोग देख लीजिएगा कितनी आपकी पूरी फीस लगने वाली है। लॉ की अगर देखिए, लॉ 5 ईयर का है तो 26,080 रुपए फीस है, जिसमें आपका क्या होगा, आपने रजिस्ट्रेशन कराया तो ये 500 रुपए कम हो गए, 25,580 रुपए आपको यहाँ पे फीस पेमेंट करना होगा। ऐसे सभी कोर्सेज का यहाँ पे आपको
फीस दे दिया गया कि इतनी फीस आपकी लगने वाली है यहाँ पे, तो इसको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और ये जो पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, तो इसको आप लेके एक बार जरूर पढ़ लीजिए। और जो पांचों स्टेप मैंने बताया इसमें आप गलती मत करिएगा, स्पेशली चॉइस फिलिंग में आपको गलती नहीं करना है, क्योंकि एक बार अगर वो लॉक हो गया तो चेंज करने में समस्या आएगी, वो चेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो और साथ ही साथ जो आपका अपग्रेडेशन है इस पर भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर गलती हो गई तो उसको अपग्रेडेशन के थ्रू हो सकता है कि आपको मेन कैंपस मिल जाए। हालांकि आपको जो चॉइस फिलिंग करना है इसमें मेन कैंपस को ही आप रखेगा, बाकी अदर जो अफिलिएटेड कॉलेजेस में आपको डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।